मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज़। हिंदू धर्म के अनुसार जून महीना पावन और शुभ होता है। इस महीने की शुरुआत में रंगा तृतीया का व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, संत कबीर जयंती, वटसावित्री व्रत आदि सहित कई बड़े व्रत त्यौहार हैं। जून में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है। इस वजह से जून का महीना भक्तों के लिए बड़ा ही उत्तम माना जा रहा है। इस महीने पांवटा साहिब में भी कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कहीं जागरण, कहीं भंडारे तो कहीं लोगों के लिए छबीले लगाई जा रही हैं। पांवटा साहिब की कुंजा पंचायत में भी शनिवार को निर्जला एकादशी व गायत्री जयंती के अवसर पर नगर खेड़ा का भंडारा किया गया। 2 वर्ष के बाद ग्रामीणों द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों व मजदूरों ने भंडारे का प्रसाद लिया। ग्रामीणों के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रवासी लोग भी भंडारे में पहुंचते हैं। यहां आयोजित भंडारे की खासियत यह भी है कि यहां कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया जाता। इस भंडारे में क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी मदन मोहन शर्मा भी पंक्ति में स्थानीय लोगों व मजदूरों के साथ भोजन करते नजर आए। मदन मोहन शर्मा हर वर्ष यहाँ लोगों के साथ भंडारे का आनंद लेते हैं। हालांकि मदन मोहन शर्मा का नाम सिरमौर के बड़े पूंजीपतियों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन उनका सरल स्वभाव उन्हें आम लोगों के साथ जमीनी स्तर पर जोड़े रखता है। नमस्कार जी, मैं गुलजार सिंह, बेड़ी सिंह उमर, कुंजा पंचायत जी। हम यहाँ पे हर साल भंडारे का प्रोग्राम करते हैं जी। ये हमारे नगर खेड़े जी हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। पिछले 2 साल से नहीं कर पाए थे कि कोविड चला हुआ था, अब ये किया है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो लेबर क्लास के लोग हैं, जरे आते हैं, भोजन का ग्रहण करते हैं और बड़ा ही लोग आते हैं, बड़ा ही भोजन का आनंद करते हैं। तो इससे बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि गाँववासी आते हैं, इधर उधर से लोग बहुत आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर साल करते हैं नगर खेड़े का प्रोग्राम। बीते शुक्रवार को पांवटा साहिब के तरुवाला में भी भगवती जागरण का आयोजन किया गया। त्रिवेणी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित भगवती जागरण में माहौल भक्तिमय हो गया। यहां भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।